CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 7 की ध्वनि शाला में। नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक तिवारी एक बार फिर से 7वीं कक्षा के दादी माँ पाठ के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। यह दादी माँ पाठ का दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में हम लोगों ने अब तक पढ़ा कि किस प्रकार से लेखक शिव प्रसाद सिंह अपनी दादी को इस संस्मरणात्मक कहानी में याद कर रहे हैं। वे उस परिवेश को याद करते हैं जिस परिवेश में उनका बचपन बीता था, उस परिवेश में किस प्रकार से बाढ़ का पानी क्वार महीने में जमा हो जाया करता था और उसमें बालपन में वे खेला करते थे। इस प्रकार से एक आंचलिकता का गुण भी, यानी एक अंचल विशेष की जो जीवन शैली है, जो वातावरण है, वह भी इस कहानी में विद्यमान है। हम देखते हैं कि उनकी दादी माँ किस प्रकार से उनके प्रति स्नेह रखती थी, और केवल उनके प्रति ही नहीं बल्कि पूरे गांव के प्रति स्नेह रखती थी। उनके मन में सदैव पूरे गांव के लोगों की चिंता होती थी और किसी की बीमारी की अवस्था में वे अपने पारंपरिक ज्ञान और अपनी देखभाल करने की जो स्वभाव था उससे उसे उपकृत किया करती थी। लेखक खुद अपनी बीमारी का उल्लेख करता है कि एक बार क्वार के महीने में पानी में खेलते हुए जब वो बीमार पड़ गया तो किस तरह से दादी माँ ने उसकी देखभाल की। आगे लेखक एक दूसरे प्रसंग के बारे में भी बताता है, जब उनके बड़े भाई किशन भैया की शादी का प्रसंग आता है तो किस प्रकार से दादी माँ पूरे घर का जो कार्य था, पूरे घर की जो जिम्मेदारी थी, वो अपने कंधों पर ले लेती हैं। हालांकि दादी माँ स्वतः कुछ नहीं करती थी, लेकिन उनकी निगाह हर छोटे छोटे काम पर लगातार बनी रहती थी और इसका परिणाम यह होता था कि किसी भी कार्य में कोई विलंब नहीं होता था, कोई काम गलत नहीं होता था। दादी माँ का रहना इस बात का सूचक था कि काम समय पर हो जाएगा। उनके टोकने, उनके निगरानी रखने के कारण सभी लोग अपने कर्तव्य का निर्वाह समय से और सही तरीके से कर दिया करते थे। इसी संदर्भ में एक दिन दादी माँ रामी की चाची को डांटती हैं। रामी की चाची को डांटता हुआ देखकर लेखक को भला नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह दादी माँ के स्नेह युक्त व्यक्तित्व से ही परिचित था। वह दादी माँ के इस गुस्सैल स्वभाव को देखकर उसे बुरा लगता है, लेकिन बाद में उसे जब पता चलता है कि दादी के डांटने का सही प्रयोजन, सही कारण क्या था, तो वह इस बात को सोचकर भावुक हो जाता है। दरअसल हुआ यह था कि रामी की चाची ने दादी माँ से कुछ रुपए उधार लिए थे और उसने कहा था कि जब फसल कटेगी वह पैसे उन्हें लौटा देगी, लेकिन वह कई फसलों के बाद भी जब पैसे नहीं लौटा पाती है तो दादी माँ उसे डांटती हैं। वह उन्हें बताती है कि मालकिन बेटी की शादी है। इस बात को जानकर दादी माँ का जो रवैया है वह बिल्कुल बदल जाता है और बाद में एक दिन जब रामी की चाची लेखक को मिलती है तो वह बताती है कि किस प्रकार से दादी माँ एक दिन मिली उससे और उसने उसका पुराना जो कर्ज था वह पूरा माफ़ कर दिया, साथ ही उसको कुछ और पैसे भी दिए और यह हिदायत भी दी कि बेटी की शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेटी जो है वह जैसे तुम्हारी है वैसे ही मेरी है और जग हसाई नहीं होनी चाहिए। तो इस बात से रामी की चाची बहुत उपकृत महसूस कर रही थी। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ के दूसरे भाग की तरफ चलते हैं और इस पर चर्चा करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। उस रोज तो बहुत डांट रही थी, मैंने पूछा। लेखक ने पूछा कि उस रोज तो दादी माँ तुम्हें बहुत डांट रही थी, आज तुम बता रही हो कि उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया तुम्हारे साथ। वह तो बड़ों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। यह तर्क पारंपरिक भारतीय समाज में मौजूद रहा कि बड़े हमारी भलाई करते हैं, बड़े हम पर उपकार करते हैं, बड़े बुजुर्ग हमारी देखभाल करते हैं, तुम्हें तो उन्हें यह अधिकार है कि वह हमें डांट सकें, उन्हें यह अधिकार है कि वह हमसे नाराज़गी व्यक्त कर सकें, हम जब उनके अनुकूल कुछ आचरण न करें तो वे हमसे खफा हो सकें।
धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि ये संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। जरा जरा सी बात पर बच्चों में और बड़ों में तकरार हो जा रही है। यह वातावरण उस वातावरण की तुलना में कितना अलग है। तो आइए आगे हम बढ़ते हैं। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है, जिसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। बच्चों, अगर आप लोग ग्रामीण परिवेश में रहे होंगे तो वहाँ विवाह का वातावरण आपने देखा होगा। गांव में विवाह का जो वातावरण होता है वह विवाह के दिन से कई दिन पूर्व बनना शुरू हो जाता है और विवाह के पश्चात कई दिनों तक चलता रहता है। एक उत्सव सा माहौल होता है। गांव की सभी महिलाएं एक समूह के रूप में इस उत्सव में भाग लेती हैं और अनेक प्रकार से उनका योगदान इस उत्सव को रंगारंग बना देता है। तो किशन भैया की, जिनके विवाह की बात कर रहा था लेखक, उनके विवाह के 4-5 दिन पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं, रात रात भर गाना गाती हैं। विवाह के गीत, शुभ गीत, मंगल गीत, जिसमें थोड़ा बहुत छेड़छाड़ भी उपस्थित होती है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है, और ख़ास करके जिस दिन विवाह होता है, जो पुरुष होते हैं, पारंपरिक ग्रामीण समाजों में पुरुष तो बारात में चले जाते थे और महिलाएं बारात को विदा करने के बाद उनकी अगवानी की तैयारी के लिए घर पर रुक जाती थीं। वे महिलाएं रात में अनेक प्रकार के अभिनय और अनेक प्रकार से मनोरंजक कार्यक्रम करती थीं। अनेक प्रकार से गीत गाए जाते थे और उन मनोरंजक कार्यक्रमों में प्रायः प्रेम विवाह इससे संबंधित दृश्य हुआ करते थे। अक्सर इसमें एक ही कहानी चलती थी कि किस प्रकार से दो लोगों का प्रेम हुआ, उनका कैसे विवाह हुआ और कैसे संतान की उत्पत्ति हुई। तो ऐसा ही कोई अभिनय, ऐसा ही कोई नाटकीय, एक तरह से कहिए कि नृत्य नाटिका सी महिलाएं प्रस्तुत करती हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई पुरुष या कोई बालक भी कोई वहाँ पर उपस्थित होता है तो जाहिर सी बात है महिलाएं आपत्ति करती हैं। महिलाएं लेखक के होने पर और लेखक के भाई राघव, जिनका नाम था, जो उनके ममेरे भाई थे, उनके भी उपस्थित होने पर आपत्ति करती हैं। राघव क्यों उपस्थित थे? राघव इसलिए उपस्थित थे क्योंकि राघव बारात जाने के बाद उनके गाँव पहुँच सके थे। दादी माँ बिगड़ी। दादी माँ इस बात पर नाराज हुई जब महिलाओं ने आपत्ति की। लड़के के से क्या पर्दा? लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है, लड़के से क्या पर्दा? लड़का यहाँ पर आया है बालक, यानी बच्चे से क्या पर्दा, बच्चे से क्या शर्म की बात है। लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है, मन एक सा होना। मन एक सा होना बच्चों मुहावरा है, इसका अर्थ होता है एक समान मानसिकता का होना। जिस प्रकार से ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है और ब्रह्मा के लिए यह सृष्टि जो है वह अपने आप में केवल एक रचना है, केवल एक मतलब अपने आप कार्य करने वाला तत्व है, उसे सृष्टि में चलने वाली गतिविधियों से कोई अर्थ मतलब नहीं होता है। उसी प्रकार से बालक को भी कोई मतलब नहीं होता है इन गतिविधियों से, ऐसा दादी माँ का तर्क था। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उढ़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। भंडाफोड़ हो गया यानी राज खुल गया। दादी माँ ने लेखक को भी चादर उढ़ाकर वहीं सुला दिया था चुपके से, और जिस तरह से महिलाएं अभिनय कर रही थी, संवाद बोल रही थी, नृत्य नाटिका चल रही थी, उसे देखकर लेखक को हंसी आ रही थी। वह अपनी हंसी को दबाने की कोशिश कर रहा था कि कहीं राज खुल ना जाए, भेद पता ना चल जाए, लोग जान ना जाएं कि वह भी वहां उपस्थित है। लेकिन आखिरकार भाभी
ने उनकी भाभी ने कोई बात ऐसी की जिस पर उनकी हंसी नहीं रुकी और भंडाफोड़ हो गया, यानी वो राज खुल गया, सब लोगों को पता चल गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं? हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? देबू की माँ, वहाँ उपस्थित महिलाओं में देबू की माँ भी थीं और उन्होंने परिहास करते हुए, मजाक करते हुए कहा कि दादी कहिए, ये कौन सा बच्चा सोया? आप तो कह रही थी कि बच्चे से कोई शर्म नहीं है, ये कौन सा बच्चा है? तो कहिए तो इसे दूध पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई, यानी जबरदस्ती उन्हें बाहर ले जाने की कोशिश शुरू की गई। दादी माँ इस बात पर नाराज हुई, लड़के से क्यों लगती हो? क्यों लगती हो यानी क्यों तकरार कर रही हो, क्यों संघर्ष कर रही हो लड़के से? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। अगले दिन जब देबू की माँ मिली, जो कि रिश्ते में लेखक की भाभी लगती थी और पारंपरिक परिवारों में भाभी और देवर में हास परिहास का एक मधुर संबंध होता है, तो उसी संबंध के तहत देबू की माँ जब उससे मिली तो किसी ने उनसे कहा कि भाभी कल वाला बच्चा आ गया। और इससे पहले कि देबू की माँ लेखक का मजाक उड़ाती या लेखक के साथ परिहास करती, वो भागकर दादी माँ के पास जाकर खड़ा हो गया। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। अभयदान, अभयदान का मतलब भय से मुक्त। भय का विलोम है अभय, और भय से मुक्ति का दान मिल जाता, यानी हर प्रकार का डर खत्म हो जाता दादी माँ की छाया में खड़े होने पर, यानी दादी माँ की शरण में आ जाने पर। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। स्नेह यानी प्रेम, ममता यानी बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है, दोनों में कोई विशेष अंतर उस तरह नहीं होता, गुणात्मक अंतर जरूर एक महीन सा है। बच्चे के प्रति जो स्नेह होता है वह सामान्य स्नेह से ज़्यादा गजिन होता है, ज़्यादा गहरा होता है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। परिस्थितियों का वात्या चक्र, वात्या चक्र यानी जिसे हम लोग बवंडर भी कहते हैं, वात्य माने होता है हवा, और वात्य का चक्र, गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा जब लू चलती है तो कई बार पत्तियां गोलाकार घूमती हैं उस हवा में, उसी को वात्या चक्र कहते हैं। ऐसे में लेखक यह कहता है कि किस प्रकार से जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, परिस्थितियों के चक्रवात में, बवंडर में जीवन फंस जाता है, तो कैसे सूखे पत्ते के समान वह नाचने लगता है, यानी उसका अपने आप पर नियंत्रण नहीं रह जाता है और वह परिस्थितियों के वशीभूत हो जाता है। इस बात की समझ दादी माँ को था, क्योंकि दादी माँ को जीवन का लंबा अनुभव था। दादी माँ ने अपने जीवन में ये इस तरह की कई घटनाएं देखी थी कि कैसे परिस्थितियां मनुष्य को मजबूर कर देती हैं। जब उनके दादाजी की मृत्यु हुई तो दादी माँ बहुत उदास रहने लगी थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता, टट्टी यानी पर्दा, टाटी शब्द इसके लिए कई बार गांव में इस्तेमाल होता है देशज भाषा में, घास फूस या पुआल का एक पर्दा सा बना लिया जाता है ग्रामीण परिवेश में, विशेष रूप से बाहर से आने वाली हवा को रोकने के लिए। तो उन्हें जो है संसार धोखे की उसी टाटी के समान, उसी पर्दे के समान लगती है, यानी यह संसार वास्तविकता नहीं है। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, दादा ने उन्हें धोखा दिया, और वह धोखा क्या था? वह धोखा यह था कि दादा उनसे पहले इस दुनिया से चले गए। वे सदा उन्हें आगे भेजकर उनके पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, कुकुरमुत्ते की तरह, कुकुरमुत्ता बच्चों एक प्रकार की वनस्पति होती है जो बरसात के दिनों में अपने आप सड़ी गली भूमि पर उग जाया करती है। तो विपरीत परिस्थितियों में कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ आने वाले दोस्त, जिनके मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी एक कहावत है।
इस कहावत का अर्थ होता है जो मुंह से तो मीठा बोले, जो जिसके बोलने पर, जिसकी बातचीत पर, यानी जिसका आचरण हमें अपने भले के लिए लगे लेकिन वस्तुतः वह हमारा बुरा करना चाहता हो, ऐसे दोस्तों की शुभ चिंता ने, ऐसे दोस्तों की दिखावे की शुभ चिंता ने, यानी अच्छी चिंताओं ने हमें और भी डावाडोल कर दिया। बच्चों, यहाँ एक शब्द आया था, कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता को अगर हम समझना चाहें तो कुकुरमुत्ता दरअसल एक वनस्पति होती है। ये उसी प्रजाति की वनस्पति है जिस प्रजाति का मशरूम होता है, जिसकी सब्जी बनाने में जिसका उपयोग किया जाता है, तो उसी प्रकार की एक वनस्पति है कुकुरमुत्ता। लेकिन कुकुरमुत्ता बरसात के दिनों में अपने आप खराब जगहों पर, जहाँ पर सड़ी गली पत्तियाँ वगैरह होती हैं, वहाँ अपने आप उग जाती है। तो जब विपरीत परिस्थितियाँ आईं जीवन में, ऐसी स्थितियाँ आईं कि जीवन जो है वो बिगड़ने लगा, तो ऐसी स्थितियों में ऐसे दोस्त भी उभर कर सामने आने लगे। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं, यानी दादाजी की मृत्यु के पश्चात दादी ने मना किया। इसके बावजूद पिताजी ने बहुत अधिक, अतुल का अर्थ होता है अतुलनीय, जिसकी तुलना ना की जाए, यानी जिसको नापा ना जा सके, यानी बहुत अधिक संपत्ति व्यय की, बहुत अधिक खर्चा किया। उसको लेकर दादी माँ जो है सहज नहीं थी, दादी माँ नहीं चाहती थी कि इतना व्यय किया जाए, लेकिन पिताजी ने अपने पिताजी के लिए, यानी दादाजी के मृत्यु के पश्चात बहुत सारी संपत्ति का व्यय किया, खर्चा किया। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, माघ यानी अत्यधिक शीतलता के दिन थे, जनवरी के महीने से आप समझ सकते हैं इसको। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा, पछुआ यानी पश्चिम से आने वाली पवने, बहुत ठंडी पवने होती हैं ये, और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। पाले की शीत, शीत माने बहुत अधिक ठंड, वह जब लगती तो ऐसा लगता मानो हड्डियों में घुस जा रही हैं, वह हड्डी तक कड़कड़ाने लगती थी। शाम को मैंने देखा ऐसी कड़ाके की ठंड में दादी माँ गीली धोती पहने हुए कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। स्नेह कातर, स्नेह से भरे हुए, स्नेह से युक्त यानी प्रेम से युक्त आँखों में मैंने कभी आंसू नहीं देखे थे, यानी दादी माँ को कभी रोता हुआ नहीं देखा था। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोल दी। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूँ, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आँखों की ओर देखा। क्या है, पूछ, तुम रोती थी? यानी दादी माँ को कभी रोते नहीं देखा था, उनकी आँखों में हमेशा प्रेम भरा रहता था। लेकिन आज लेखक ने यह महसूस किया कि दादी माँ के मन में कोई दुख है। वे जब संदूक पर दिया जलाकर हाथ जोड़े बैठी थी तो उनकी आँखों में उसे आंसू भी नजर आया, और इसीलिए वह उनके पास बैठ गया और उनसे उसने पूछा कि क्या तुम रो रही थी? दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल। दादी माँ ने बात पलटने की गर्ज से, ध्यान हटाने की गर्ज से, यह सोचकर कि लेखक उनके रोने या दुखी होने के बारे में और सवाल ना करे, इस बात के कारण उसको कहा कि तुमने अभी खाना नहीं खाया, चलो यहाँ से जाओ, खाना खाओ, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने उनसे कहा कि ये साड़ी तो बदल लो, गीली साड़ी में इतनी ठंड में तुम बैठी हुई हो, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गईं। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। जो पूरा प्रसंग है वो पूरा प्रसंग आर्थिक बदहाली की स्थिति में जो तनाव आता है, जो परेशानियां आती हैं, उनको लेकर है। और दादी माँ इस बात को पहले ही समझ रही थी, इसलिए
दादाजी की मृत्यु के पश्चात ही उन्होंने पिताजी को आगाह किया, उन्हें रोकने की कोशिश की कि बहुत ज़्यादा पैसा न खर्च किया जाए, लेकिन इसके बावजूद पिताजी ने पैसे खर्च किए और उसके कारण परिणाम ये हुआ कि परिवार आर्थिक बदहाली की स्थिति में आ गया, आर्थिक संकट आ गया उनके ऊपर। और इसी बात के कारण दादी माँ दुखी थी। दादी माँ इस पूरे वातावरण को लेकर विह्वल थी। लेखक ने जब दादी माँ को देखा कि वो संदीप पर दिया लेकर बैठी हैं, तो वह भी उसी तरफ संकेत कर रहा था। रोता क्यों है रे, दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। दादी माँ ने स्नेह से युक्त व्यवहार से अपने बच्चों के सर पे हाथ फेरा। उन्होंने लेखक के पिताजी और बड़े भाई को समझाया कि तुम क्यों रोते हो बेटा, मैं अभी हूं ना। उन्होंने संदूक खोलकर, वही संदूक जिस पर दिया जला रखा था उन्होंने शाम को, उसको खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था, यानी जो कंगन दादी माँ को उनके दादाजी ने तोहफे में दिया था, बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से, जिसे वे अपने पास संभाल कर रखती थी, उसे उन्होंने निकाल कर उनके पिताजी को दिया और कहा कि इसी दिन के लिए, इसी संकट के समय के लिए यह मुझे पहनाया था तुम्हारे दादाजी ने। उनका गला भराया। गला भराना यानी, गला भराना भी मुहावरा है, गला भराना यानी भावुक हो जाना, रुआंसा हो जाना। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। सहेज कर यानी संभाल कर रखती आई हूँ, यानी लंबे समय से रखा हुआ है यह मेरे पास। यह उनके वंश की निशानी है, उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। आगा पीछा सोचना यानी आने वाले संकट के विषय में पहले से अनुमान लगा लेना। तो वे कहती हैं कि जो पुराने लोग होते थे, जो बुज़ुर्ग लोग होते थे, वे हमेशा आगा पीछा सोच कर ही काम करते थे, यानी आने वाले समय की स्थितियों के बारे में विचार करके ही चीज़ों को रखते थे। और इसका एक उदाहरण दादी माँ थी। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। शाप भ्रष्ट देवी सी, शाप यानी श्राप से भ्रष्ट, श्राप से जिनका बुरा हो गया हो, ऐसी देवी लगी दादी। देवी क्यों लगी दादी? क्योंकि दादी का जो आचरण था वह देवियों के समान, ईश्वर के समान हर संकट से मुक्त करने वाला था, हर परेशानी में आश्रय देने वाला था, सहारा देने वाला था। इसलिए लेखक को ऐसा लगा जैसे दादी माँ साक्षात देवी का रूप हों, जिन्हें श्राप के कारण इस लोक में आना पड़ा हो। धुंधली छाया विलीन हो गई। लेखक जो पत्र पढ़ रहा था, उस पत्र को पढ़ते हुए उसकी आंखों में दादी माँ का जो छाया चित्र आ गया था, वह धीरे धीरे विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया है। लेखक को एहसास हुआ अपनी वर्तमान स्थिति का, यानी अब वह स्मृतियों से मुक्त होकर आज की स्थिति में वापस आ रहा है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। उन्होंने देखा कि पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी, घिनौनी यानी घृणास्पद, जिसको देखकर घिन आती हो, ऐसे पंख फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। बच्चों, ये जो एक वाक्य है, ये वाक्य ऐसे वातावरण की तरफ संकेत करता है जो अपने आप में प्रतीकात्मक है। प्रतीक क्या है? प्रतीक यह है कि स्मृतियों का जो कोमल संसार था, स्मृतियों का जो सुखद संसार था, जो स्नेह युक्त संसार था, प्रेम से युक्त संसार था, उससे लौटकर कठोर और घिनौने वर्तमान में लेखक आ गया है। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। अब भी किशन भैया ने जो पत्र लिखा है, जिसमें दादी माँ की मृत्यु यानी निधन की सूचना है, वह पत्र कांप रहा है। आशय यह है कि लेखक का हाथ दुख के कारण कांप रहा था और वह पत्र भी उनके हाथ में कपकपा रहा था। काली चीटियाँ सी कतारें धूमिल हो रही हैं।
काली चींटियों सी कतारें, काली चींटियों की तरह की कतारें, यानी जो लिखा हुआ था पत्र पर वह चींटियों जैसा लगने लगा। क्यों? क्योंकि लेखक की आंखों में आंसू भर गए थे। आंसू भर जाने के कारण वह धीरे धीरे धुंधला होने लगा था और ऐसा दिखने लगा जैसे चींटियां हों। पत्र में लिखे हुए शब्द वो भी धीरे धीरे धूमिल होने लगा, यानी आंखें बिल्कुल डबडबा गई, आंसू बिल्कुल भर गया। आंखों पर विश्वास नहीं होता, मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? लेखक को सहसा इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही, वह बार बार अपने से ही यह सवाल पूछ रहा है। तो बच्चों, यह थी संस्मरणात्मक कहानी दादी माँ, जिसके रचयिता थे शिव प्रसाद सिंह। कैसी लगी आप लोगों को यह कहानी? मैं विश्वास करता हूँ कि ज़रूर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी के माध्यम से बच्चों, हम अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते हैं। हम अपने बड़े बुजुर्गों का महत्व, उनकी गरिमा और उनकी उपयोगिता परिवार में समझ पाते हैं। साथ ही साथ भारत के एक विशेष अंचल, बिहार क्षेत्र के एक विशेष अंचल जहाँ पर अक्सर बाढ़ आती रहती है, वहाँ के वातावरण और परिवेश से भी परिचित हो पाते हैं। साथ ही साथ वहाँ की आंचलिक शब्दावली और भाषिक जो प्रयोग हैं लेखक शिव प्रसाद सिंह के, उससे भी परिचित होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला ध्वनि शाला। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और निर्माण अजीत होरो तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।